वाराणसी में मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर अंगद राय के घर पुलिस ने कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। शूटर अंगद राय पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हत्या, रंगदारी, शराब की तस्करी, मारपीट जैसे केस हैं सामने। गोरखपुर के महिला अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद 12 से ज्यादा प्रसूताओं की बिगड़ी तबियत। प्रसूताओं को बुखार और सांस लेने में हुई तकलीफ। 3 से 4 दिन पहले महिलाओं की हुई थी डेथ। औरैया में तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों की मौत। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास की घटना। आजम खान के हेट स्पीच मामले में FIR दर्ज कराने वाले वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने कहा, FIR वापस लेने की बात गलत। आजम खान के प्राइवेट वकीलों की ओर से बनाई जा रही है फेक न्यूज। शामली के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश और पुलिस कर्मचारी हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बदमाश के एक साथी को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार के साथ क्षेत्र में हुई डकैती का माल भी बरामद। औरैया में मंगलाकाली मंदिर के पास जंगलों में भीषण आग। तेज हवाओं के साथ आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को बुझाने नहीं पहुंच पाई। लखीमपुर में भालू बनकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर किसान। आवारा जानवर और बंदरों से खेती को बचाने की कोशिश। भालू की ड्रेस पहनकर दिन रात तक खेत में घूमते हैं किसान। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया किंग कोबरा। जंगल सफारी के दौरान किंग कोबरा को देखकर उत्साहित हुए पर्यटक सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा के नवनिर्वाचित MLC पद्मचैन चौधरी का श्रावस्ती में भव्य स्वागत। MLC बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे श्रावस्ती। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। भदोही पहुंचे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही विपक्ष पर फीका हमला बोला। अखिलेश को सदी का सबसे खराब बयानबाजी करने वाला नेता बताया। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। कहा, डिरेल हो गई है अखिलेश यादव, इसलिए कर रही है इस तरह की बयानबाजी। फतेहपुर पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने थावर चंद गहलोत का भव्य स्वागत किया। जौनपुर में अधिकारियों पर जमकर बरसी। दर्जा प्राप्त मंत्री सोनर किन्नर समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को सुनाई खरी। झारसुगुड़ा के लखनपुर में SDRF की टीम ने तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया। आदि कैलाश की यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्री लखनपुर में फंस गए थे। तवाघाट ने पुल एक हाईवे पर मलबा गिरने से सड़क हुई थी बंद। रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बैठक ली। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए दीपक रावत। बैठक में 10 में से 9 प्रस्ताव पास हुए। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैंक खातों से रकम निकालकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 6 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज पुलिस ने किया हाईवे पर लूट करने वाले गैंग का खुलासा। 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमंचा, कारतूस, देसी बम और 14,000 रुपए बरामद। प्रतापगढ़ में सीवर लाइन के निर्माण में घोटाले का आरोप। तत्कालीन अधिशासी अभियंता ने बजट में 1,78,00,000 रुपए दूसरे प्रोजेक्ट में किए खर्च। शासन में जेल निगम को भेजा गया 3,54,00,000 रुपए का बजट। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक में हेल्थ वेलनेस सेंटर की बिल्डिंग में घटिया निर्माण का आरोप। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का वीडियो बनाकर साझा किया। CMO ठेकेदार के खिलाफ जांच के निर्देश। बरेली में लव जिहाद की शिकार हुई छात्रा का मेडिकल करवाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल पहुंची पुलिस। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिवार के सदस्य फरार। पीलीभीत में नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम। औषधि विभाग नेपाल बॉर्डर से सटे मेडिकल स्टोर पर बिक रही नशीली दवाएं। अधिकारी कर रहे कड़ी कार्रवाई का दावा। शामली के हनुमान धाम में लागू हुआ ड्रेस कोड। श्रद्धालुओं की जीन्स, हाफ पैंट और शॉर्ट ड्रेस पहनकर आने पर पाबंदी। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने सहमति के बाद फैसला लिया। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने भाजपा पर साधा निशाना। राहुल गांधी को हरदा ने बताया अभिमन्यु का, भाजपा का चक्र भी तोड़ गिरा। UP से हरियाणा पहुंची पहलवानों की लड़ाई। आज सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र में होगी खाप पंचायत। कल मुजफ्फरनगर में हुई थी बैठक। राष्ट्रपति से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। राकेश टिकैत में गिरफ्तारी में हो रही देरी पर उठाए सवाल। का ब्रजभूषण पर कार्रवाई से डर रही पुलिस। पहलवानों के मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर बोला तीखा हमला। का भाजपा महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करती है जबकि देश की बेटियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। 2024 को लेकर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। आज भी अलग अलग क्लस्टर के प्रमुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी। भाजपा दफ्तर पर जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। सांसदों के रिपोर्ट कार्ड वाले प्लान को लेकर होगा मंथन। सभा प्रशिक्षण शिविर को लेकर चर्चा करेंगे अखिलेश। लखनऊ के इंदिरा गांधी भवन में पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे CM योगी। पंचायती राज विभाग की योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन।
जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में गृह मंत्रालय से उत्तराखंड सरकार ने अपील की। एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट जल्द राज्य सरकार मुहैया कराने की रिक्वेस्ट की। फाइनल रिपोर्ट मिलने पर जोशीमठ पर बड़ा फैसला लेगी राज्य सरकार। सीएम योगी ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया। 7 में से 5 पैरामीटर्स में टॉप आने पर मिलेगा पुरस्कार और नगर निगम को 10 करोड़, नगर पालिका को 2 करोड़ और नगर पंचायत को मिलेगी 1 करोड़ अतिरिक्त धनराशि। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। का बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है। भारत में संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर मोहन भागवत का बड़ा हमला। कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन। मोहन भागवत ने नए संसद भवन की तारीफ की। कहा संसद में लगे चित्रों को देखकर गौरव होता है लेकिन पंथ संप्रदाय को लेकर हो रहे विवाद। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने से मिल रहे संकेत। कल शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इससे मिलने बाद उद्योगपति गौतम अडानी से मिले। एनसीपी चीफ शरद पवार हलचल के बीच विदेश दौरे पर हैं और दफा। हिंसाग्रस्त मणिपुर में आज से शुरू होगी सख्ती। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की टीमें करेंगी हथियारों की तलाश। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डीजीपी को बदला गया। अब राजीव सिंह को मणिपुर पुलिस की कमान। आज महाकाल के दर्शन करने नेपाल के पीएम प्रचंड जाएंगे उज्जैन। नेपाली पीएम को सीएम शिवराज इंदौर में देंगे रात्रि भोज। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटा रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की सीडीआर डेटा की कॉपी अपने साथ ले गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा सनातनी हिंदुओं को तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुंबई में हड़ताल पर जेजे अस्पताल के 400 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर सीनियर्स डॉक्टर्स की बदसलूकी और 3 महीने का स्टाइपेंड न मिलने से नाराज। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर गिरफ्तार। बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे शूटर्स। मध्य प्रदेश के विदिशा में जंगलों से लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों पर हमला किया। 3 कर्मचारी घायल। लटेरी वन क्षेत्र की घटना। शामली के कैराना कोतवाली पहुंचे युवक ने पुलिस पर तहरीर दी। अपने साथ हुए मारपीट की घटना का वायरल वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में शादी के दौरान प्रतिभोज में मछली परोसने को लेकर बाराती और घरातियों में मारपीट। दुल्हन के पिता की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में बाइक ओवरटेक को लेकर मारपीट। बाइक सवार व्यक्ति को जमकर पीटा। पुलिस पर मामला पहुंचा। थाना दक्षिण के नई बस्ती का मामला। कानपुर में आईआईटी चौकी इंचार्ज पर छात्र की पिटाई का आरोप। शराब ठेके के पास मौजूद पुलिस को छात्र पर फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने का शक हुआ। लखनऊ में मकान के कब्जे को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक। थाने के अंदर भारी संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। क्लाइंट की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद। सोनभद्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पति, गर्भवती पत्नी समेत 4 साल के मासूम की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार शख्स की मौके पर मौत। बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कार सवार मौका देखकर फरार। औरैया में चलती पैसेंजर ट्रेन में कंचौसी रेलवे स्टेशन पर युवक का पैर फिसलने से हादसा हुआ। युवक की हालत गंभीर। काल युवक को जीआरपी ने फफूंद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा। मथुरा के थाना मरगोरा क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। ग्रामीणों ने 3 शवों को तालाब से बाहर निकाला। 3 सगे भाइयों की मौत से इलाके में कोहराम मचा। बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला मिस्त्री का शव। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ौत कोतवाली से मात्र 50 मीटर की दूरी की। पीलीभीत में खाली प्लॉट में बैठकर शराब पी रहे और जुआ खेल रहे दबंगों का विरोध करने का युवक को महंगा पड़ गया। आरोपी दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। बागपत में हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। एक मकान में चल रही हथियार बनाने की फैक्ट्री तमंचे की होम डिलीवरी करते थे आरोपी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में होटल ग्रांड वैली में कैसीनो का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। जुआ खेल रहे 15 लोगों में शामिल 2 महिला गिरफ्तार। मौके से 88,000 कैश, ताश की गड्डी, फोन और लैपटॉप बरामद। गोरखपुर में 16 साल की किशोरी से धरंदगी के आरोपी प्रधान के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार देर रात बंद पड़ी फैक्ट्री में किशोरी को बंधक बनाकर रेप किया। मरनासड़ हालत में छोड़कर फरार हो गया था। रैया में 13 साल के मृतक बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रेप के दौरान बच्चे का सर दीवार पर जोर से टकराने से उसकी मौत हो। पुलिस ने साली के हत्यारे आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। महोबा में भाई ने छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। 1,000 रुपए के लेन देन को लेकर भाई की हत्या। आरोपी भाई फरार, पुलिस कर रही तलाश। 10 दलितों की हत्या के मामले में फिरोजाबाद कोर्ट ने 90 साल दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55,000 का जुर्माना भी लगाया।
युवक की हत्या मामले में वाराणसी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाइक बरामद, शराब लेने के विवाद को लेकर हत्या हुई। कानपुर देहात में बेखौफ लुटेरों ने बाइक सवार को निशाना बनाया। दिन दहाड़े 1 लाख का कैश लेकर फरार, बैंक के पैसे निकालकर घर लौट रहे थे पीड़ित पुता। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गैंग का पर्दाफाश किया। महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 7 लाख लोगों का डेटा बरामद। आगरा में जमीन विवाद में रजिस्ट्री को लेकर विवाद। पुलिस की मौजूदगी में रजिस्ट्री कराने वाले आरोपी की दबंगई और महिला को बंधक बनाया। लोगों के आक्रोश के बाद महिलाओं को छुड़ाया गया। अमरोहा में कुर्की की कार्रवाई रुकवाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। डीएम ने इंसाफ की गुहार लगाई। महिलाओं को आरोप के उनके नाम जबरन शामिल कराए गए। आगरा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। अवैध खनन से भरे डंपर और 3 लोग गिरफ्तार। कई खनन माफिया मशीन लेकर राजस्थान पर आ। आजमगढ़ में किसान संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के साथ कई मांगे रखी। मांगे ना पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी। बरेली के खदरा मोहल्ले में गरमाए लोगों के पलायन का मुद्दा। भाजपा नेताओं ने लगाया धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का। साक्षी हत्याकांड को लेकर धर्मगुरु स्वामी दीपांकर का बयान। घटना को बताया जघन्य। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बेटियों को सचेत रहने की अपील। बृजभूषण सिंह के समर्थन में अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत। कहा बृजभूषण के मामले में सिर्फ राजनीति की जा रही है। 2024 चुनाव को प्रभावित करने का। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की मांग। 13 जून को सपा विधायक एसपी यादव का प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा बीते 9 साल स्वर्णकाल के रूप में याद किया जाएगा। चंपावत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नेपाल से आ रही 5 किलो का चरस पकड़ा। नेपाल का शादर चरस तस्कर भी गिरफ्तार। पौड़ी में अलग अलग जगहों पर 3 सड़क हादसे। 3 हादसों में महिला बच्चों समेत 11 लोग घायल। दो की हालत गंभीर। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला फिर गरमाया। स्थानीय लोगों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप। बागेश्वर जिला अस्पताल का 20 करोड़ से होगा कायाकल्प। बागेश्वर सीएमएस ने जानकारी दी। कहा जिला अस्पताल होगा हाईटेक, इसी महीने से शुरू होगा काम। 20 सालों में पहाड़ नहीं चढ़ने वाले महिला खेल अधिकारी का हरिद्वार में जोरदार स्वागत। सोशल मीडिया पर हो रहा स्वागत का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी के पिलोथ में बदहाल कूड़ा प्रबंधन पर ग्रामीणों का आक्रोश। जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। मसूरी में यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 707A का हाल बेहाल। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे क्षतिग्रस्त सड़क का संज्ञान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।